हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर हाईकोर्ट के अलग अलग गेटों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाठीचार्ज की घटना से नाराज वकीलों ने गेट नंबर 3 के बाहर फूका पुतला। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ वकीलों ने FIR दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वकीलों की हड़ताल के चलते आज तमाम मुकदमों की सुनवाई टलेगी। यूपी बार काउंसिलिंग ने भी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रयागराज समेत पूरे यूपी में तो वहीं लखनऊ में भी हाईकोर्ट वकील हड़ताल पर हापुड़ की घटना को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। वकीलों ने भारी संख्या में परिवर्तन चौक का किया घेराव, धरना प्रदर्शन किया, रोड किया बंद। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हो रही है नारेबाजी। सरकारी गाड़ी पर चढ़े अधिवक्ता। अब्दुल कबीर की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, पुलिस प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, पुलिस अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, आवाज दो अमेर है, आवाज दो अमेर, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। जिस तरीके से हापुड़ में महिला अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद इस मामले को लेकर जो धरने पर बैठे थे उनके साथ भी लाठीचार्ज किया गया, सर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है, अतांत्रिक है, अप्रजातांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, और ये मात्र अनुशासनहीनता ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों का ये घोर अपराध है। अभी हम लोग जो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश हड़ताल कर रहा है, 2-3 पुलिस वालों को निलंबित कर देंगे और बयान दे देंगे कि हमने इनको निलंबित कर दिया। हमारा सिर फूटा, हमारा खून बहा, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसका परिणाम जो होगा केवल इतना परिणाम होगा कि 3 को निलंबित कर दिया गया। अगर किसी सत्तारूढ़ दल के किसी भी पार्टी के हों, अगर एक काला झंडा दिखा दिया जाए तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। परंतु जो इतना जघन्य अपराध हुआ है उसके विरुद्ध कोई तात्कालिक और कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक। सर परिचय। दया शंकर मिश्र, वरिष्ठ वक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
पता था।